दोस्तों कांग्रेस ने अपने बजट पत्र में कहा था कि पीबी बंद करके राज्य सरकारी चयन आयोग चालू करेंगे। राज्य सरकारी चयन आयोग की समिति बन चुकी है, पूरा रूपरेखा तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी वो लागू भी कर सकती है कांग्रेस सरकार, लेकिन उसके पहले पीबी को बंद करना पड़ेगा। अब पीबी को बंद करने से काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसा कि जो पुरानी एग्जाम्स हो गई है उनकी भर्ती के रिजल्ट जो है वो निकलना बाकी रह गए हैं। कुछ एग्जाम्स जो इस महीने होने वाले थे अगस्त में, उनका शेड्यूल पहले से पीबी पर था लेकिन अचानक से वो गायब कर दिया गया है। हम इस वीडियो में आपको वो दिखाएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे कि पीबी बंद हो सकता है और आगे की जितनी भी परीक्षाएं थी 15 से 20 परीक्षाएं ऐसी थी जो कि उन पर अब रोक लग गई है और जो एंट्रेंस एग्जाम थे उनको भी अब देखते हैं कौन सी संस्था करवाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल दीप सिंह एकेडमी में। 206 लाख सुपर सब्सक्राइबर देने के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मित्रों ने हमसे पूछा था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का हमने वीडियो बना दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है ये आपको बता दिया जाएगा। और शाम को 9 बजे जीके की लाइव क्लास में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और MPSI कांस्टेबल और जितनी भी MBBS PSC तैयारी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर चालू हो चुकी है, तो आप इंदौर में कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कंप्लीट जानकारी। अगर रुख करें आज के दैनिक भास्कर पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अगस्त का दैनिक भास्कर, सॉरी कल का दैनिक भास्कर था, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पीबी बंद हो सकता है, इसलिए इस साल 15 से अधिक भर्तियां जो है उन पर अघोषित रोक लगा दी गई है। अब दोस्तों ये प्रस्तावित शेड्यूल जो था, हम पहले आपका पीबी पर चलते हैं। देखिए पीबी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ANM ट्रेनिंग किसान कल्याण कृषि विकास अधिकारी की जो बात चल रही थी वो ग्रुप 5 रिक्रूटमेंट टेस्ट और यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां होने वाली थी, पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्स डेट तय कर दी गई थी यानी कि अगस्त के आसपास तक इसमें डेट बताई गई थी, लेकिन अचानक से वो सारी चीजें गायब कर दी गई है। ये खबर प्रकाशित हुई है कि 31 अगस्त को जो संयुक्त भर्ती टेस्ट ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 संयुक्त परीक्षा 7-8 सितंबर को जो होने वाली संचालन लाना है, महिला विभाग एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी 21-22 सितंबर को ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 संयुक्त परीक्षा, 28-29 सितंबर ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 संयुक्त परीक्षा, 12-13 अक्टूबर 19-20 अक्टूबर को जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की परीक्षा होने वाली थी, नवंबर और 2-3 नवंबर को ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की भर्ती टेस्ट होने वाला था, यहां पर 16-17 नवंबर को ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 संयुक्त भर्ती टेस्ट होने वाला था। तो ये जो सारी भर्तियां हैं इन पर अब तलवार लटक चुकी है, लेकिन यहां पर आपको बता दें यहां पर कि पीबी अधिकारियों ने बताया है कि आरक्षण नीति में बदलाव होने के कारण परीक्षाएं अभी आयोजित नहीं की जा सकती हैं। उन सभी विभागों को पत्राचार के नए नियम अनुसार पदों की मैट्रिक्स की जानकारी मांगी गई है और आरक्षण के नियम जो नए नियम है उनको लागू करने की बात कही गई है यहाँ पर। तो ये सब जो जानकारी दी गई है, अब हम बता दें कि नई व्यवस्था से हो रही है देरी, ये इनका मानना है डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, वो है सामान्य प्रशासन मंत्री। उन्होंने कहा है कि वचन पत्र में पीईबी बंद करने की बात है, इस दिशा में काम किया जा रहा है, नई व्यवस्थाओं के कारण थोड़ा समय लग सकता है, इसके बाद जल्द ही भर्तियां शुरू होंगी, यानी जल्द भर्तियां शुरू होंगी एक कह दिया है, लेकिन कब शुरू होंगी इसके बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं दी है। नई हुई 3 परीक्षाएं, चौथी भी संकट में, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताती है कि जो परीक्षाएं अभी होने वाली थी ये चौथी भी संकट में आ चुकी है। दोस्तों आप भी देखिए इस प्रकार की जो तैयारी करनी थी ये पहले कर लेनी चाहिए थी, अब जबकि समय आ गया है भर्तियों का उस समय आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पहला कारण है जो पीबी के भविष्य पर ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और दूसरा कारण है प्रवेश सरकार द्वारा आरक्षण के नियम। तो दोस्तों उम्मीद है इस जानकारी को आप शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे और लोगों तक ये जानकारी शेयर करेंगे जिससे वो भी अपना मत रखें, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं।